मुझे लगता है कि मंदिर का जहां तक इशू है, अब देश विकास की तरफ तेजी से बढ़ गया है और मंदिर एक आस्था का विषय है। और तमाम बहुसंख्यक भाई जो कि हमको साथ में लेकर चल रहे हैं पूरे देश में, आप देखें हमारा कवच बनकर आज देश के तमाम जो बहुसंख्यक भाई हैं उन्होंने अल्पसंख्यक को अपने साथ लेकर काम किया है। तो इसलिए बड़ा दिल करेंगे और एक ये तो निर्णय आना है, उस निर्णय का भी हम स्वागत करेंगे अगर निर्णय हमारे फेवर में आता है। लेकिन जो बात हमारे केशव जी ने कही है कि अगर संविधान की बात कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो संविधान बनाने का और संविधान के तहत अगर कोई रास्ता निकल रहा है तो उससे मुझे लगता है किसी को एतराज होना नहीं चाहिए। संविधान बनाकर ही अगर कोई बात हो रही है, क्योंकि उन्हें असंवैधानिक बात अगर करें तो बात अलग है, लेकिन संविधान के तहत अगर बात की जा रही है तो देश की जनता उसको सराहेगी और मानेगी। क्योंकि आम जनता की, पहली बार जब हम लोग सरकार में आए पिछली 2017 में, तो हमने एक सप्लीमेंट्री बजट दिया था, लेकिन जब हम अब की बजट हमने दिया है तो वही योगी सरकार है जिस सरकार से भ्रमित किया गया था कि ये मुस्लिम विरोधी हो सकती है, और खासकर योगी जी के चेहरे को तो ऐसा बताया गया था। लेकिन जब उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट आम बजट से 4,000 करोड़ का बजट किया, जो ना अखिलेश यादव जी ने कभी किया था ना मायावती जी ने किया था, और ये इसलिए किया था कि ताकि मुस्लिम समाज शिक्षित हो, मुस्लिम समाज के लिए रोजगार के जो तमाम और अवसर हैं वो सृजन किए जाएं, और तमाम जो कहना चाहिए मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए, और तमाम योजनाओं में कैसे मुस्लिम दबे कुचले समाज को ऊपर लाया जाए जिनको कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो इस तरह से उन्होंने तमाम जो योजनाएं बनाई उसमें कोई भेदभाव नहीं किया और योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचा है। और ये सरकार द्वार पर खड़ी हुई है सबके, जाकर चौपाल कार्यक्रमों में भी आपने देखा कि सब इलाकों में हम लोग गए, इवन मुख्यमंत्री खुद गए और जाकर ये विश्वास हमने जताया। पहली चीज तो ये है कि हमारी जब केंद्र की सरकार बनी थी इससे भी भयानक स्थिति थी उस समय, आपने देखा होगा कड़वा बड़ा पैनिक कर दिया था विरोधी दल के लोगों ने, विरोधी पार्टियों ने मुसलमानों के बीच में एक ऐसा गलत तरीके का मैसेज कन्वे किया था आदरणीय मोदी जी को लेकर। लेकिन मोदी जी ने जब सत्ता संभाली और जब उन्होंने सदन में जाकर कहा कि हम 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो अपने आप एक आत्मविश्वास सब लोगों में जागा, पूरे देश में जागा कि ये वो चीज नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से उनके ऊपर एक हमला था, उनके कहीं ना कहीं डिफेम करना चाह रहे थे लोग उनको, क्योंकि उनकी जो नीतियां बनी, जो उन्होंने योजनाएं बनाई वो जन कल्याणी योजनाएं हैं। देश के इतिहास में शायद 4.5 वर्षों में जितनी योजनाएं मोदी जी ने बनाई हैं जन कल्याणी, इतनी योजनाएं किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई होंगी, क्योंकि ये सामने है सबके, चाहे वो